थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर चौराहे पर सोमवार की रात्रि एक डंपर ने दूसरे डंपर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें पीछे के डंपर का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। घायल ड्राइवर को मोहद्दीपुर चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से डंपर से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि डंपर से ड्राइवर को निकाल लिया गया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। इसके अलावा किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, भैया हल्का खोलिए, हल्का हल्का, धीरे 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 भैया, हल्का से खोलिए, हल्का भाई, आराम से, तारो मत, तारो आराम से, आराम चलो, हो लगा दे मोहद्दीपुर चौराहे में रात में दो डंपर आपस में टकरा गए थे, जिसमें पीछे डंपर का जो ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने दोनों डंपरों को हटा दिया, ट्रैफिक सामान्य सुचारू रूप से चालू है और जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवा दिया गया है। कोई जनहानि की नहीं, ऐसी भी तो कोई सूचना नहीं, चोट चपेट लगी थी तो उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है।